दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप Realme का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि हम Realme के स्मार्टफोन में दो व्हाट्सअप कैसे चलाएं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको यही बताऊंगा कि Realme के डिवाइस में आपका कोई भी Realme का फ़ोन है वो उसमें मैं बताऊंगा आपको दो व्हाट्सअप कैसे चलाएं, यानी कि डुअल व्हाट्सअप आप किस तरीके से चला सकते हैं, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी ऐप को डुअल भी चला सकते हैं, इसमें ये भी मैं आपको बताऊँगा। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। जब तक आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक ये काम आप नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर विदाउट ऐप के बताऊँगा मैं Realme का आपके पास कौन सा भी स्मार्टफोन हो, विदाउट एप्लीकेशन के मैं यहाँ पर को दो व्हाट्सअप दिखाऊंगा। तो चलिए हम बताते हैं दोस्तों आपको क्या करना है। सिंपल से दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये देखो एक ही व्हाट्सअप हमारे फ़ोन में इस तरीके से नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये देखो एक व्हाट्सअप है, ठीक, एक ही व्हाट्सअप है। अब मैं दो व्हाट्सअप आपको दिखाऊँगा बना के, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में। जैसे कि मोबाइल की सेटिंग में इस तरीके से मैं आ जाता हूँ, इस तरीके से आने के बाद नीचे की तरफ आना है आपको, ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आओगे दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा ऐप मैनेजमेंट के जस्ट नीचे ऐप क्लोनर, ठीक है, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है, इस तरीके से टैप करना है। अब आप कहेंगे कि इतना तो मैं ही जानता था, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ इससे आगे भी आपको क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक को दो बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी डुअल बना सकते हैं, स्नैपचैट, टेलीग्राम, मैसेंजर, गूगल पे, फ्लिपकार्ट, इस तरीके से फेसबुक। तो यहाँ पे हमने व्हाट्सअप की बात की, तो व्हाट्सअप पे इस तरीके से आपको टैप करना है और क्लोन ऐप पर आपको टैप करना है इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखो, ठीक, यहाँ पर आपको रीनेम क्लोन ऐप पर क्लिक करना है। जैसे हमने कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने इस तरीके से लिखा व्हाट्सअप, इस तरीके से मैं अब क्या करूँगा यहाँ से वापस बाहर निकलूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक तो व्हाट्सअप ये रहा मेरा, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा व्हाट्सअप हमारा कहाँ है, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, दूसरा भी आपको दिखाऊंगा अभी मैं। ये देखो नीचे की तरफ आपको मिलता है, ठीक है, इस पर हमने टैप किया। जैसे ही हमने यहाँ पे टैप किया तो इस तरीके से ये देखो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको अपना अकाउंट बनाना है, अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि व्हाट्सअप में अकाउंट कैसे बनाया जाता है, लॉगिन कैसे किया जाता है, व्हाट्सअप पर बैकअप कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है, सारी चीज़ें में व्हाट्सअप आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप से संबंधित तो एक बार कमेंट करके आपको ज़रूर बताना होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है किस तरीके से आप Realme के फ़ोन में दो व्हाट्सअप चला सकते हो। आप ये ही नहीं कि आप व्हाट्सअप ही चला, यहाँ पे आप कुछ भी डबल कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।